हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम का। क्लियर है? और इसमें जितना भी क्वेश्चन है सारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का रूल से बनेगा, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड 64 का पावर 1/2, सेकंड क्वेश्चन 32 का पावर 1/5 और थर्ड क्वेश्चन है 125 का पावर 1/3। तो आपको मैं पहले ही सारा रूल बता चुका हूं कि आप किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे आपका 64 है और ऊपर में फ्रैक्शन में पावर है, तो कोशिश करेंगे अंदर वाला नंबर को पावर में लिखने का। तो देखिए, 64 का पावर क्या लिख सकते हैं बच्चों? हम लोग जानते हैं कि 8 का स्क्वायर होता है ना, 8 8 64, तो हम 8 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगर आपका नहीं आता है तो आप फैक्टराइज करके भी बना सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए, तो हमें पता है कि 64 का जो होता है वो 8 का स्क्वायर होता है। क्लियर है? तो हम लोग लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। अब देखिए, नंबर कैसा चला गया, पावर के ऊपर पावर चला गया, तो पावर के ऊपर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है ना। चलिए, तो क्या हो जाएगा, 8 2 into 1/2, ये 2 2 कैंसिल हो गया, क्या हुआ, 8 का पावर 1, 8 का पावर 1 यानी कि वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? उसी तरह सेकंड क्वेश्चन है 32 का पावर 1/5, तो 32 का किसी का भी स्क्वायर हम लोग नहीं लिख सकते, या किसी का पावर अगर हमें नहीं समझ में आ रहा तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसका फैक्टराइज आप निकाल के देख लीजिए, जिस तरह एलसीएम के लिए निकालते हैं आप। तो क्या हो जाएगा, देखिए, 2 1 2 2 6 2 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 और 2 1 2। क्लियर है बच्चों? देखिए, हम लोग क्या लिख सकते हैं, कितना 2 आ रहा, देखिए 2 4 5, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 5 और इसके पावर में है 1/5। क्लियर है ना बच्चों? चलिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर इनटू पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/5, ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया, 2 का पावर 1, यानी कि आप बोलेंगे आंसर आपका क्या आया है, 2 आया है। समझ रहे ना बच्चों? उसी तरह देखिए 125, तो जब 125 को आप जब तोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 5 into 5 into 5। क्लियर है ना? 3 बार 5 होगा, तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 5 का पावर 3 लिख सकते हैं ना, बाहर में है 1/3, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए 3 into 1/3, ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया, 5 का पावर 1, यानी कि क्वेश्चन हो गया आपका, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का 5। क्लियर है बच्चों? तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन है 9 का पावर 3/2, सेकंड क्वेश्चन है 32 का पावर 2/5, थर्ड क्वेश्चन है 16 का पावर 3/4 और फोर्थ क्वेश्चन है 125 का पावर -1/3। क्लियर है बच्चों? अब क्या कर सकते हैं आप इसको, जिस तरह से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन बनाए थे उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए, 9 को हम लोग पावर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, ये वाला टर्म को, तो क्या लिख सकते हैं, 3 into 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, 3 का स्क्वायर और बाहर में मेरा क्या है, 3/2। क्लियर है ना? तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 2 into 3/2, ये 2 2 कैंसिल हो गया, 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 यानी कि आप बोल सकते हैं 3 into 3 into 3, तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 9 3 27, तो बच्चे इसका आंसर आएगा 27। उसी तरह हम लोग सेकंड बनाते हैं 32 का पावर 2/5, अभी हम लोगों ने जस्ट निकाला था ना पिछले क्वेश्चन में, 32 का किसके पावर में लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 5, है ना। चलिए, तो हम लोग इसे लिख देते हैं 2 का पावर 5 और बाहर में हमारा है 2/5, तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 into 2/5, ये कैंसिल हो गया, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या बचा, 2 का पावर 2। अब ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे बच्चों, हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 का पावर 2 यानी कि क्या हो गया, 2 into 2 यानी कि बोलेंगे आंसर जो आएगा वो होगा 4। क्लियर है ना? उसी तरह 16 है, तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 2 का पावर 4 भी लिख सकते हैं ना। देखिए, 2 2 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, ठीक है, तो आप जो चाहे वो लिख दें। तो अब यहाँ पे देखिए, पावर 3/4 है, अगर हम 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 बच जाएगा ना, और अगर हम लोग 2 का पावर 4 लिखेंगे तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग क्या करते हैं, 2 का पावर 4 लिखते हैं। समझ रहे ना बच्चों, हम लोग क्यों लिख रहे हैं ये सब चीज, क्योंकि ये कैंसिल हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, 2 का पावर 3। अब 2 का पावर 3 यानी कि 2 into 2 into 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। क्लियर है? चलिए, उसी तरह 125, तो 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब यानी कि 5 का पावर 3, तो 5 का पावर 3 और ऊपर में हो जाएगा 1/3, ठीक है, माइनस में,
तो इसको पावर का पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3 × -1/3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 5 का पावर -1। अब बच्चों पावर माइनस वन में नहीं छोड़ेंगे, तो पॉजिटिव करने के लिए क्या होगा, ये नंबर नीचे हो जाएगा, यानी कि आंसर होगा 1/5। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सिंपलीफाई है, ठीक है। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है 2 का पावर 2/3 × 2 का पावर 1/5, क्लियर है ना। देखिए क्वेश्चन में आपका बेस सेम है बट पावर डिफरेंट है, और दोनों नंबर किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो याद कीजिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, जब दोनों दो नंबर आपका बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो क्या होता है, पावर एड हो जाता है। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 का पावर यहां पे हो जाएगा 2/3 + 1/5, क्लियर है ना। हम लोग लॉज यूज कर रहे हैं तो ऐड कर दीजिए पावर को, देखिए क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए 15 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 × 2 = 10 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी कि 2 का पावर 13/15 आएगा इसका आंसर, क्लियर है ना। चलिए उसी तरह सेकंड नंबर देखिए, 1/3 का पावर 3 है और फिर उसके पावर 7 है। तब देखिए इस नंबर को देखिए, क्या हम लोग इस नंबर को ऐसा नहीं लिख सकते हैं। देखिए बच्चों ये वाला नंबर को अगर हमें ऊपर लिखना है तो हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं 3 का पावर -3 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए पावर को पावर से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, -21, क्लियर है। चलिए थर्ड नंबर देख लीजिए, 11 का पावर 1/2 है, 11 का पावर 1/4 है, देखिए बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो क्या होगा, देखिए 11 का पावर 1/2 - 1/4, क्लियर है। चलिए सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम 4 आएगा, ये हो जाएगा 2 - 1, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 1/4, क्लियर। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन बना लेते हैं, 7 का पावर 1/2 है × 8 का पावर 1/2, यहाँ पे बेस डिफरेंट है बट पावर आपका सेम है। तो याद कीजिए लॉस क्या होता है, जब आपका बेस डिफरेंट होता है पावर सेम होता है, क्या होता है, बेस को बेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो पावर होता है इसके ऊपर लिख देते हैं, क्लियर है ना। तो क्या हो जाएगा, 8 × 7 = 56, ये हो जाएगा 1/2। तो ये था बच्चों एक्सरसाइज 1.6 का सॉल्यूशन। अगर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं उस वीडियो का लिंक, उस वीडियो को जाके देख लीजिए, वो बहुत ही डिटेल वीडियो है। तो ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।